बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे क्रैम्पिंग हो रही है। नहीं चले कि कल हमें वेट चेक करना है, कि कल हमें वेट चेक करना है, कि कल हमें वेट चेक करना है। दोनों तरफ से फायदा और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज के लिए हाँ करता है, हाँ करता है, हाँ करता है। आप ट्राई करो। वेलकम टू माई चैनल, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस बिकॉज माई वीडियो इज अबाउट वॉट आई एक्सपीरियंस इन रियल लाइफ। मैं काढ़ा पी रही हूँ और अभी बची है 10:30 और ये कल रात का है। हम लोग मूवी देख रहे थे, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हमने बंद करके वापस चालू कर दी कि पूरी ख़त्म कर देते हैं, चलेगा रात को, आज जग जाते हैं। कभी कभी ऐसा करना चाहिए, तो हम लोगों ने वही किया, हम मूवी पूरी देखेंगे और फिर सोएंगे, है ना। आपने कहा आपने दुनिया को यहाँ से भगा दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। और आज हमने पूरे दिन क्या क्या किया मैं बता देती हूँ। सबसे पहले उठ के जो वाटर होता है वो पी लिया, फिर जो भिगो के रखे थे वैक्सीन्स और ड्राई फ्रूट वो खाए, उसके बाद व्हीट क्रश पाउडर पिया पानी में डाल के ऑफकोर्स, और फिर मैंने खाया था ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला, और उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी सी चाय भी पी थी और सब कर करा के। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने मिड मील भी लिया जिसमें मैंने लिए थे बेरीज थोड़े से और ग्रीन टी। फिर हो गया है अभी लंच टाइम, और लंच में जो है वो मैं भी आपको बताती हूँ। उसके पहले मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि मैंने सूर्य नमस्कार का नाम नहीं लिया, क्योंकि आज मैंने नहीं किए सूर्य नमस्कार सुबह। उसकी एक रीज़न तो ये है कि आज मेरे पीरियड्स आए, फर्स्ट डे है, तो मुझे लगा कि थोड़ा मॉर्निंग में मुझे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे क्रैम्पिंग होती ही है। स्टार्टिंग में नहीं होती है, बट धीरे धीरे फिर बढ़ती है दिन जैसे जाता है या फिर दूसरे दिन। तो अभी तक तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो शाम को ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि चैलेंज है। अगर चैलेंज नहीं होता तो शायद नहीं करते, क्योंकि ये 2 दिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल योगा करना चाहिए। और सूर्य नमस्कार जो मैं कर रही हूँ वो नॉर्मल नहीं है, हाई इंटेंसिटी में आता है। पर अगर मुझे सही लगा और सब कुछ सही हुआ तो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी डाइटिशियन को भी पूछा, उन्होंने बोला कि अगर आपकी बॉडी सही है, आपका मूड सही है और आपको कुछ भी पेन वगैरह फील नहीं हो रहा है तो आराम से कर सकते हो, तो हम शाम को करेंगे वो। और अभी मेरे लंच में क्या है वो मैं आपको दिखाती हूं। लंच में है आज दाल चावल सैलेड और वेजिटेबल रायता, वेजिटेबल नहीं, ये क्यूकम्बर का रायता, खीरा का रायता, और बस ये हम लेंगे। और आज की मेरी जो अच्छी बात है वो यही है कि मुझे पीरियड्स आ गए, बाकी कुछ नहीं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे वापस थोड़ी देर बाद। एक्चुअली मैंने बोला था जैसे कि मैं शाम को करूँगी, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे क्रैम्पिंग हो रही है, और क्योंकि शायद 1 महीना लेट पीरियड है, बट मुझे यूजुअली भी होती ही है, तो मैं रिस्क ही लेना चाहती सूर्य नमस्कार करके। तो अगर मुझे थोड़ा फील अच्छा होगा तो मैं वॉक जरूर करूँगी, और आज मैंने वीडियो भी ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं कब से ही सो रही थी और बाकी का काम करना भी जरूरी था जैसे एडिटिंग वगैरह, तो वो सब मैंने किया। और ठीक है, देखो कल क्या होता है। तो आपने देखा मैंने लंच तक बात की थी, फिर मैं सो गई थी, और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने आज सूर्य नमस्कार नहीं किया। फिर मैंने अपने मिड मील में बनाना खाया था, और अभी मैंने पनीर का पराठा खाया और उसके साथ थोड़ा सा रायता लिया था और हरी चटनी। तो मैंने खाना अपना पूरा फिनिश किया, आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और मुझे एक चीज़ एक्चुअली बोलनी थी, हमें पहले ये बोलना है कि कल हमें वेट चेक करना है। एक तो होता है कि पीरियड में वेट रियली सही नहीं दिखाता है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा। डाइट में मैंने नॉर्मली, मैं भी बहुत यूट्यूब पे देखती हूँ, पर कभी भी वो लोग ये नहीं बोलते कि हाँ शायद पीरियड है इसलिए कम आया या ज़्यादा आया, मुझे नहीं पता। कल हम देखेंगे तब, और इसके बारे में हम कल बात करेंगे, कल वेट चेक करेंगे हम सुबह उठ के। इससे अच्छी बात मेरे साथ में इस बार ये हुई कि मेरे हमेशा क्रैम्पिंग होती है और हद से ज़्यादा होती है, मतलब लाइक फर्स्ट डे तो मैं थोड़े टाइम के बाद में उठ भी नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है, तो मुझे चक्कर जैसा लगता है या कुछ भी बोलो, पर मेरे पेट में बहुत दर्द होता है। ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ था, पर होता था। पहली बार ऐसा हुआ, जबकि 1 महीना लेट आया पीरियड मेरा और ये हार्मोन्स का इश्यूज भी चल रहे हैं, उसके बावजूद मेरे पेट में नहीं हुआ जैसा मुझे पहले होता था। हुआ, थोड़ा सा हुआ, पर मुझे हमेशा जितना होता था उसके कंपेयर में बहुत कम था। मैंने सूर्य नमस्कार इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था कि कल जाके ज़्यादा दर्द हो, क्योंकि
हम कर हेल्थ के लिए ही रहे, और अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ जाएगी तो इसलिए मैंने नहीं किया। और मैंने अपने डाइटिशियन को पूछा भी था तो उसने बोला कि अगर आपको लगे तो करो वरना मत करो, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहती इसीलिए मैंने नहीं किया। और जो मेरा पेट में दर्द नहीं हुआ उसका सबसे मैन और सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट जिस चीज़ को देना चाहती हूँ वो सिर्फ एक ही है, और ये सारा मेरा पेन फ्री पीरियड का क्रेडिट मैं दूंगी केसर वाला जो रेसिन्स हम भिगोते हैं उसको, क्योंकि बाकी सारी चीज़ मैं हमेशा से करती आई हूँ, अटेम्प्ट करती ही हूँ, लेकिन मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पीरियड्स में मुझे क्रैम्पिंग नहीं हो रही है। ये पहली बार मैंने केसर वाला ये पानी पिया, मैंने कभी नहीं पिया था पहले। मैंने हार्मोन्स के रुजुता मैम के भी जो वीडियोज़ है उसके देखे थे, उन्होंने भी जैसे ही मेरा ये इशू हुआ था डाइटिशियन को हायर करने से पहले, तो उन्होंने भी एक चीज़ ये बोली थी कि केसर का पानी रेसिन्स केसर के पानी में भिगो के रखो और वो पानी सुबह उठ के पियो, उससे हार्मोन्स का होता ही है, मतलब हार्मोन्स को थोड़ा सा आपके वापस सेटल डाउन करता है। लेकिन उन्होंने पीरियड्स का भी बोला था कि लाइक अगर आपके जैसे होता है ना कि एक हफ्ते पहले आप पानी पीना शुरू कर दो तो जिनके दर्द होता है जिनको कुछ फील होता है उनके बहुत रिलीफ होगा। और ये चीज़ मेरे साथ इस बार हुई है, अब मैं हमेशा पता नहीं मैं कंटिन्यू ये पानी ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अब मेक श्योर कि मेरे पीरियड्स के 7 दिन पहले मैं केसर वाला पानी जरूर, और केसर भी कितना सस्ता, दो स्ट्रिंग्स होती है वो डालनी होती है और 5 रेसिन्स होते हैं, इतना हम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह पेन होता है आपको भी पता होगा कि आपको कितना पेन होता है, तो लेना चाहिए, वो दोनों तरफ से फायदा, एक हार्मोन्स का भी इशू नहीं होगा उससे आपके पीरियड्स में भी कैंपिंग नहीं होगी। तो मेरी तरफ से तो क्रेडिट उसी को जाता है क्योंकि बाकी चीज़ें जैसे मैं बता रही कंपेयर, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है मेरे चैनल के नाम इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के लिए हाँ करता है। आप ट्राई करो अगर आपको दर्द होता है एक हफ्ते पहले अगर ज़्यादा नहीं तो भी, और फिर मुझे बताओ कि आपको कुछ फर्क लगा या नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब मेरी डाइटिशियन ने भी जब डाइट भेजी उसमें ये लिखा हुआ था, अगर वो नहीं भी लिखती ना तो मैं ये ज़रूर करती कि मैंने बोल हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है, हमारे यहाँ मिलता नहीं है, मम्मा ने नहीं बोला। सॉरी ये टाइम एक्चुअली इंडिया बात करने का होता है तो फोन आ गया था बीच में तो मैं बात करने चली गई। हाँ मैं ये बोल रही थी कि वो नहीं लिखती तो भी मैं करती, बिकॉज हार्मोन्स का जब जैसे ही इश्यू होने लगे थे और डॉक्टर ने बोला जब मैंने थोड़ा अभी इस बार सीरियस लिया, तब सबसे पहले मैंने रुचिता मैम के जितने भी जो वीडियोस थे अभी हार्मोन्स के रिलेटेड और पीसीओडी के रिलेटेड, उनकी बुक भी है पर यहाँ नहीं मिलती है तो मैं वो नहीं ले पाई, और पर पहले मैंने इतना वो ध्यान नहीं दिया कि वो भी मुझे लेनी है, बाकी मैंने 2-3 उनकी बुक्स पढ़ी है तो उनके सारे वीडियोस देखे थे। बाकी सारी नॉर्मल डाइट है जो आप रेगुलर वेट लॉस के लिए भी देखोगे उनका हमेशा सिंपल चलता है, बट हार्मोन्स में उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोल दी थी, एक अलीव सीड्स बोला था जो यहाँ मुझे नहीं मिलता, बहुत इश्यूज है एक्चुअली यहाँ, यही प्रॉब्लम है कि जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है वो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है कुछ कुछ चीज़ें मिलना। बट केसर मिल का मैं देखूँगी सूर्य नमस्कार कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट सूर्य नमस्कार भी अगर नहीं किया तो दूसरे जो नॉर्मल योगासन होते हैं वो ज़रूर करूँगी, और वॉक तो ऑफकोर्स, क्योंकि आज भी मैंने सारा काम किया है जो मैं पहले कभी नहीं कर पाई, काम सारा किया है, बस ये है कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाई थी, तो कल का कल देखेंगे। 2 दिन का गैप मैंने पहले ही बोला था हो सकता है, बाकी फिर मैं गैप नहीं दूंगी, और अच्छा है ना ये 2 दिन का गैप आ गया, बट आगे अब पूरा कंटिन्यू मेरा सूर्य नमस्कार चलेगा, जिसमें कुछ भी नहीं चलेगा कि आप स्किप कर दो, मैं करना भी नहीं चाहती अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने पहले बोला। तो चलो गुड नाइट, अब कल मिलते हैं, अब हम फिर से अब सो जाएंगे और फिर आपको कल से कल वेट चेक करना, देखो क्या फ़र्क आता है। गुड नाइट।